हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद इन्फोसिस की तरफ से लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज का अपडेट आ चुका है, जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश जॉब अपडेट है, एक घंटा पहले ये अपडेट आया, सबसे पहले आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर भी आप जरूर कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं डेली जॉब अपडेट आपको टाइम पर देखने को मिल जाए और आप टाइम पर अप्लाई कर पाए, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस करना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम वाले तो है, बात करेंगे इन्फोसिस की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इन्फोसिस की ये जो वैकेंसीज आई हुई ना, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें एनी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इंडिया में किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ना ही इन वैकेंसीज में कोई आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ना कोई फी पे करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, हर कोई आप में से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है, बल्क हायरिंग इसमें होने वाली है, अप टू 32,000 तक आपकी इसमें सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पे हर चीज़ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस है, किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं और प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊँगी अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बल्क एंड इमीडिएट हायरिंग है ये, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके जब मैं आपको बताऊँगी, आपको स्टेप बाय स्टेप ही वैसे ही अप्लाई करना है ताकि आपका पहली बार में सक्सेसफुली अप्लाई हो जाए। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपके इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। और हाँ, मैंने आपके लिए एक नया चैनल क्रिएट कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स देखने को मिलते थे कि इस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू कैसे होती है, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे नए चैनल पर देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दिया है, मीत शर्मा नाम से आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, नया नया चैनल है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे ही दिया है, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करके उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के अपडेट वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाया करेंगे। तो इन्फोसिस का ये जो अपडेट आया है ना, कंप्लीट प्रोसीजर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले कौन सी प्रोफाइल है, क्या वर्क आपका रहने वाला है, उसके बाद स्क्रीन पर लेके चलूंगी अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है, वो लास्ट में बात करने वाले हैं। इन्फोसिस के बारे में आई डोंट थिंक आपको बताने की ज़रूरत है। इन्फोसिस एक बहुत बढ़िया MNC कंपनी है जो कि क्लाइंट डीलिंग का वर्क करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी इन्फोसिस की वैकेंसीज आती है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ये ड्रीम कंपनी है, तो अप्लाई इसके लिए ज़रूर से कर देना। और वैकेंसीज की अगर हम बात करें, एंट्री लेवल की ये प्रोफाइल है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की ये जो वैकेंसीज आउट हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करें ना, तो कंपनी का जो प्रोसीजर चल रहा है या जो प्रोसेस चल रहा है उसे आपको और भी स्मूथ बनाना है। ट्रेनिंग आपको कंप्लीट दी जाने वाली है कंपनी की तरफ से। MNC कंपनी में वर्क करने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, सैलरी आपको पे की जाती है, प्लस अदर बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम यहाँ पे बात करें अप्लाई कैसे करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो पहले हम अप्लाई की बात करेंगे। सो पहले अगर हम यहाँ पे स्किल्स की बात करें, आप में टीम प्लेयर के स्किल्स होना चाहिए, मतलब टीम में किस तरीके से आपको वर्क करना है वो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए और आप एक्टिव होने चाहिए। इसके अलावा लर्निंग न्यू थिंग्स, मतलब आपके अंदर नई नई चीज़ें सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा पेपर वर्क किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है वो थोड़ी बहुत आपने स्किल्स होने चाहिए, मतलब कंप्लीट ट्रेनिंग तो आपको दी जाने वाली है, मतलब थोड़ी सी नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए, एक्सपीरियंस किसी टाइप का कोई नहीं मांगा गया। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स किसी भी जॉब को आप कर रहे हैं या किसी भी वर्क को आप लाइफ में ही कर रहे हैं, तो उसके लिए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। और आपके जो आप चीज़ें बोल रहे हैं या जो आप स्पीच बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बस ये चीज़ें यहाँ पे चाहिए, हर कोई आप में से अप्लाई कर सकता है। आप ध्यान से समझना,
अप्लाई कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और गुड न्यूज है, एक और कंपनी की तरफ से जॉब अपडेट आ चुका है जिसका नाम है रेडबस। रेडबस में बारे में आप अवेयर होंगे, जो कि बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, जिसमें ओपनिंग आ चुकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, छोटा सा टेस्ट लेके आपको सीधा यहाँ पे जॉब मिल जाती है, जिसमें अगर बात करें प्रोफाइल की, एग्जीक्यूटिव सेल्स की ये प्रोफाइल आउट हुई है। अगर हम सैलरी प्लस बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3,50,000 प्लस अप टू 6 लाख यहाँ पे वेरिएबल रहेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर फॉर टेस्ट के लिए। ये अपडेट आया हुआ री लेवल की तरफ से। यहाँ पे आप रजिस्टर फॉर टेस्ट पे जब क्लिक करेंगे, आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है बुक योर फ्री स्लॉट के लिए। जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस डेट को सिलेक्ट करके आप फ्री में टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक और बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है, खासतौर पर वो कैंडिडेट जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा टेस्ट फ्री अगर पहली बार में क्लियर ना हो, तो यहाँ भी आपको कोर्सेज की ऑप्शन मिल जाती है। इस कोर्सेज की ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, अपनी जो भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरेस्टेड है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है, तो बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्स पे आप यहाँ पे क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी सिलेक्शन होने के। मतलब टेस्ट तो आपका फ्री में रहने वाला है, कोर्सेज आपके जो है वो पेड रहने वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको आप चेक जरूर कर लेना। सिर्फ 1000 में से आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं, कहीं भी नहीं जाना, कोई रिज्यूमे नहीं चाहिए, स्किल बेस्ड आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अप्लाई का दिया हुआ है। क्लिक करेंगे नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लास्ट में रिक्वायर्ड लिंक में आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। अब कंप्लीट स्क्रीन पर लेकर चलते हो किस तरीके से अप्लाई करना होगा। सो जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वायर्ड लिंक में पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के लिए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है, 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है पहले अपने आप को, देन आपको लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर लेना है। सो अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है, आपको सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, या तो आप मैनुअली कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल, फेसबुक से या फिर लिंक्डइन से भी कर सकते हैं और ट्विटर से भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड मेंशन करना है, बस आपको अब सबमिट कर देना है। उसके बाद नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है अपना यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके। अदरवाइज़ अगर आप बैक जाएंगे, तो यहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शन बताई है, आप यहाँ सीधा गूगल से भी कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, जहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करना है। मिडल नेम ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर जैसे ही आपने गूगल से लॉगिन किया, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी पिक कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री कोड प्लस मेंशन है, तो यहाँ पर आप 91 लिखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आपको अपना एक मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। स्किल्स में आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ भी आपको नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, या कस्टमर सर्विसेज के बारे में आप कुछ जानते हैं, वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एक्नॉलेज दैट वाली जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको टिक करके सिंपली सबमिट कर देना है। सो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा सबमिट पर क्लिक करने के बाद। जैसे आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया सारी डिटेल्स को फिल करके, उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लास्ट में आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज आई हुई है। जैसे अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद अपना डेट मेंशन करनी है आपको, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं प्रेफर्ड इंटरव्यू सिटी, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी इन्फोसिस के ऑफिस है वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए भी है, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे आपको लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। कई बार होता है कि आपकी लोकेशन में वैकेंसीज ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में हर एक लोकेशन के लिए वैकेंसीज है। आपके लोकेशन के लिए नहीं है, आप अदर लोकेशन 3-4 मेंशन करके देख लेना, जहाँ पे आपको नज़दीक पड़ते हैं, आप अपने इंटरव्यू सिटी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स, एक्सपीरियंस इन्होंने वैसे ही मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे
फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो सेलेक्ट है, ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहीं पे ज़ीरो ही रहने देना है। उसके बाद अगर कोई किसी को एक्सपीरियंस है एक साल का या कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको करंट या फिर प्रीवियस एम्प्लॉय की डिटेल्स मेंशन करनी होगी। अदरवाइज आप फ्रेशर है तो आपको कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं करना है, आप ज़ीरो रहने देना। उसके बाद ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं रिज्यूमे के लिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना एक रिज्यूमे यहाँ पर सीधा अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। सो अप्लाई पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दी प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रोल। इवन आपके पास ईमेल भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको ओके पर क्लिक कर देना है जो कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अगर जॉब लोकेशन की बात करूँ, मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन के लिए सिलेक्ट किया था चंडीगढ़, तो मेरी लोकेशन में नहीं आ रही थी इसलिए मैंने हैदराबाद डाल के देखा तो मेरे पास आ गई थी। तो अलग अलग लोकेशन के लिए ये वैकेंसीज है, तो आप इसको ऑल इंडिया कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसमें रहे। तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अप्लाई करना, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसके अलावा इसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जो मैंने आपको पहले भी बताया ही है। इसके अलावा अब आपको इसके लिए वेट करना होगा। अब ये वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है वो चीज़ें सारी आपको कंपनी क्लियर करेगी। अगर आपके प्रोफाइल इसमें शॉर्टलिस्टेड होती है आपको कॉल आने वाली है रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो बस उसी के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड हायरिंग होने वाली है। क्या क्या बेनिफिट आपको सैलरी के साथ साथ मिलेंगे हर चीज़ ऐसा टीम आपको क्लियर यहाँ पर करने ही वाली है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप चाहते हैं इसी तरह से डेली जॉब वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। इसके अलावा जो वैकेंसी जाइए हमारी ऑफिशियल साइट पर चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।